इन पहाड़ों पर फतेह किसने हासिल की? हमारे विद्रोहियों ने। कौन है वो जांबाज? हमारे ऐसे। फिर मुझे बताओ, तुम सब सबसे ज्यादा बहादुर किसे मानते हो? जिन्होंने उन राजाओं की गर्दन रेत दी। और क्या? अपने ऐसे के लिए कुर्बान हो गए। सबसे बड़ा बुजदिल कौन है? जो दुश्मनों से रहने की भीख मांगे। हमें अपने दुश्मनों को क्या तोहफा देना चाहिए? एक दर्दनाक मौत। और हम इसी तरह डरते रहे तो? शर्म से डूब मरना चाहिए। और जो अपनी जुबान से मुकर जाए वो नाबूद हो जाएंगे। तो सभी दुआ करो कि हमारी तलवारें उनके सीने के आर पार हो जाएं। आमीन। कसम उठाओ सभी कि जो वादा किया वो सच है। कसम खाते हैं। ज़ेबेक्स को ऊपर वाले ने किस लिए पैदा किया है? शहादत के लिए। तो फिर ज़ेबेक्स उठाओ अपने सर, क्योंकि अब शहादत का वक्त आ गया है। यहाँ क्या कर रही है? हैं? जाओ। तो जाओ यहाँ से। मैंने कहा मेरे काम में दखल मत दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ से वापस जाओ। चली जाओ वरना तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? हैं? काट डालूंगा तुम्हें मैं। शैतान के पिल्ले, आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। छोड़ दीजिए उसे। मत मारिए। वो नादान है मालिक। खुदा से डरिए। मत मारो उसे। खुदा से डरिए मालिक। साहब, आप इस बच्चे को जान से मार दोगे क्या? कुत्तों को भी हम वहां जिबे नहीं करते जहां वो निवाला लेते हैं। अपने इस बच्चे को अभी के अभी इस खेत से लेकर जाओ और दोबारा दिखना मत। निकलो यहां से। क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ अपने काम पर। सर ऊंचा करो इसका। हाँ ऐसे। थोड़ा गर्म पानी ले आओ और घास मिट्टी साफ कर दो।
अभी ये जिंदा है। घबरा मत, अम्मी यही है। हाँ बेटा, मैं यही हूँ। इसे मुझे दो। घबरा मत, थोड़ा सबर रखो, बस अभी छोटा बच्चा ही तो है। काम छोड़कर थोड़ा कुत्ते के साथ खेलने लग गया, इसी बात पर ओवरसियर खफा हो गया। उसे बच्चे पर भी तरस नहीं आया। वो सब बेरहम है। वो मरहम मुझे दो। कान के पर्दे नाजुक होते हैं, चोट से फट सकते हैं। ये लो। या खुदा, इसकी गंध तो। हाँ, इसकी गंध जहरीली है। तुम खाने को थोड़े अखरोट निकाल लो। बस 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 बस, खुदा के वास्ते थोड़ा सब्र रखो और मेरी बात सुनो। कल सुबह गर्म पानी से इसे अच्छी तरह से साफ कर देना और घाव पर ये मरहम दोबारा अच्छी तरह लगा देना। और हाँ, एक बात बताना चाहूंगी, जहां जहां ये मरहम लगेगा वहां दोबारा कभी बाल नहीं आएंगे। कहां हो तुम लोग? तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हो? मालिक ने तुम्हें यहां से निकाल दिया है ना? उन्होंने खबर भिजवाई है कि दोबारा वापस नहीं आ सकती। कहीं कोई लाचार बेबस हुआ नहीं कि? हरपुती ज़ादे हाजिर हो गया, बस थोड़ा इंतजार करो। घबराओ मत, बस तुम्हारा काल भी जल्द आने वाला है। जिस दिन वो हमें मिल गया जिसे तुम लोगों ने छुपा रखा है, याद रखना बेमौत मारे जाओगे। ऐसे तुम वो पट्टी ले लो, क्योंकि बच्चे के सर पर मरहम सूखने से पहले बांधना जरूरी है। मेरे बच्चे को जीते जी मार डाला था। गरीबी पर लगान लगाकर उन्होंने हमारा जीना तक हराम कर दिया है। खुदा इन्हें दोजख में डालेगा। ऐसा नहीं कहते, मेरी बात मानो, थोड़ा इत्मीनान रखो। अल्लाह सब्र का हमेशा साथ देता है। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मेरे पास अब कुछ भी तो नहीं बचा है। इस बच्चे को लेकर कहां जाऊं? हमारा गुजर बसर कैसे होगा? कौन देगा हमें सहारा? आज और अभी तुम अपना सारा सामान बांध लो। कोई है जो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे दोनों का ख्याल रखेगा। मैं आज रात ही तुम दोनों को भेज दूंगा, परेशान मत हो। गरीबों के लिए जो हो सके मदद कर देना। शरीफ हुसैन के अटका में बसने में इनकी पूरी मदद करना। ठीक है जनाब। सती की दवाएं रख ली होंगी तुमने, उम्मीद है कि तुम भूली नहीं होगी। आप बेफिक्र रहिए, मैं इनके साथ रहूंगा। खुदा का करम हो तुम पर, तुम्हारी राह आसान हो और तुम्हारे खंजर में धार बनी रहे। आमीन। शुक्रिया हरपुती ज़ादे। चलिए तांगा आगे बढ़ाइए। तांगारों को साइज क्या है इसमें? कहां जा रहे हो तुम लोग? शरीफ हुसैनी के गढ़ में ये औरत और ये बच्चा क्या लगते हैं तुम्हारे? ये मेरे पड़ोसी है, इसके परिवार का यहाँ कोई नहीं बचा है। अटका में इसके रिश्तेदार हैं, अब वही इसकी देखरेख करेंगे।
जाने दो इन्हें। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपका सफर खौफ के साए में रहा। ऐसी कोई बात नहीं है मेहमत, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो याद कर लेना, हाजिर हो जाऊंगा। क्या आप हमें ओवरसीयर से बचाएंगे? ये खंजर मेरी तरफ से तोहफा तुम्हारे लिए है। हौसले बुलंद रखो, किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। आप कौन है जनाब? मैं कोई जनाब नहीं, एक एफए हूँ। दोनों में फर्क क्या है? जब तुम बड़े हो जाओगे तो फर्क समझ जाओगे। वैसे जनाब विरासती लफ्ज है, लेकिन एफए का रुतबा हासिल किया जाता है। फिर मिलेंगे छोटे शैतान, खुदा हाफिज। जनाब, हरपुतिज़ादे ने एक बेवा और उसके बच्चे को हमारे पास भेजा है, क्या उन्हें भीतर बुलाऊं? तुम यही इंतजार करो। ये दुख रहा है? हाँ दुखता है। इसे पहन लो, दर्द कम हो जाएगा। शुक्रिया। तुम यहाँ बहुत दिन रहोगे? पता नहीं। हम किसान पैदा हुए हैं और किसान ही मर जाएंगे। एक ढंग का जूता भी हमारे पैरों को नसीब नहीं है। सुनो सुनो सुनो, सब लोग बखूबी सुनकर समझ लो। शरीफ हुसैन ने हमारे पैटर्न कुयुकक के डिप्टी वायवोड लॉर्ड हार्ट जी के होनर में कुश्ती बाजी का टूर्नामेंट रखा है। ये टूर्नामेंट अगले जुमे के नमाज के बाद होगा। सुनो सुनो सुनो, कुछ भी चाहने से पहले सावधान रहो, क्योंकि वहां कुछ नहीं मिलेगा। पर सहसरे लिए तुम खुशकिस्मत हो, अगर तुम ये कुश्ती जीतते हो तो अपने लिए जूते जरूर खरीदना। मैदान के सभी बहादुर जाबाज, बिकिर को कुश्ती बाजी में हरा दो। और गुफ्तगू आसान है, लेकिन एक छोटा बच्चा भी अच्छी तरह से जानता है।
कि बिकिर को कुश्ती में शिकस्त देना बहुत दूर का सफर है। ऐसा मत कहो मेहमत, हौसले से बहादुरी होती है और बिकिर को हमारा जाबाज मेहमत जरूर हरा देगा। हाँ इंशाल्लाह। चलो चलो काम पे लग जाओ। ओ काका लाओ मुझे तो। मेरी मोहब्बत, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बड़ी जल्दी आ गई, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? किसी ने नहीं, पर मैं जल्दी वापस चली जाऊंगी। ये क्या है? अगर पकड़ी गई तो कह दूंगी अंगूर तोड़ने गई थी। ये क्या मेहमत, तुमने सारे अंगूर मसल दिए। अब मैं पकड़ी गई तो क्या बहाना बनाऊंगी? देखो तुम्हारे कपड़े पर भी दाग लग गया, ये रंग एक बार लग जाए तो उतरता नहीं है। कोई बात नहीं मेहमत, मैं तुम्हारे लिए एक नया कुर्ता सिलवा दूंगी। मेरे लिए खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये किसान को क्या फर्क पड़ता है रंग उतरे या ना उतरे। खुद को तकलीफ? औरत अगर नाजुक होगी तो अपने शौहर की सेवा कैसे करेगी? एक बार हमारा निकाह हो जाए फिर जैसा चाहो वैसी सेवा करो मेरी। आपा, जल्दी चलिए, वो लोग आ रहे हैं। अगर हम पकड़े गए तो अम्मी कहर बरपा देंगी, हमें फौरन रुखसत लेनी चाहिए। आपका कपड़ा सिल जाने के बाद आपको इत्तला करवा दूंगी। मेहमत, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमें उस बिकीर को शिकस्त देनी है, कैसे दूं पता नहीं पर उसे दूंगा जरूर। उसे किसी भी तरह मात देनी है महमित, बिकीर कुश्तीबाजी का नरक है। बच्चे सिर्फ बातें करते हैं, मर्द काम करते हैं। हाँ लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। सलाम दोस्तों। सलाम, सलाम, सलाम। तुम लोगों ने आज सुबह की शहर मुनादी सुनी है कि शरीफ हुसैन ने कुश्तीबाजी का मुकाबला रखा है पैटर्न बोर्ड बोरे के हुनर में। पैट्रन कहते हो उसे, वो हम सबका खून चूस रहा है। अरे तुम भी ना आओ, तशरीफ रखो। शरीफ हुसैन ने कहा है कि जो कोई भी बकीर पहलवान को मात देगा वो उससे कुछ भी मन मुआफिक तोहफा मांग सकता है। 1500 सोना मांग सकते हैं शिकस्त के बदले। बेवकूफी बंद करो, बकीर की शिकस्त के बदले तुम सोना पालोगे? ये ख्वाब देखना बंद कर दो। खैर ये तो ख्वाब में भी नहीं होगा। तुम्हारे पीछे लात मारेंगे और वो उसका भी मजाक बनाएंगे। वो तुम्हारा सोना भी लेकर जाएंगे और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मुझे जूते नहीं चाहिए, वो जूते तुम उस आदमी को दे दो, वो एक अच्छा कुश्तीबाज है, उसे हराना मुमकिन नहीं है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाई, सब कुछ ठीक होगा। क्या कह रहे हो तुम, बकीर को मात देने के बाद उसके बदले इस गांव को भी मांग सकते हो? शुक्रिया भाई, तुम ठीक कहते हो। अब मैं समझ गया मुझे क्या मांगना है। ससरेली काकमा कोगलू, मैं अभी अम्मी से मिलकर आता हूँ और तुम सबसे पोस्ट पे मिलता हूँ। चलता हूँ, खुदा हाफिज। इसे क्या हुआ? आप खा क्यों नहीं रही अम्मी? मुझे भूख नहीं है, मेरी फिक्र मत करो। इन दिनों बहुत मुश्किल से खाती हैं आप। बाहर वो बंदूक क्यों रखी है? क्या तुमने फिर से गार्ड की ड्यूटी ले ली है? पिछली कई रातों से तुम गार्ड की ड्यूटी पर हो, तुम्हारी बारी इतनी जल्दी कैसे आ जाती है?
उस ओवरसियर के साथ तुम कोई खतरे का काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि अब अगर यहां से निकाले गए तो कहां जाओगे तुम? मैं किसी के साथ कोई खतरनाक काम नहीं कर रहा, आप बेफिक्र रहें। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी बेहतरी चाहती हूं ताकि तुम किसी मुसीबत में ना आ जाओ, क्योंकि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। ऐसी बातें ना किया करें अम्मी। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। कैसी निशानेबाजी है ये, बार बार निशाना चूक रहा है, गोलियां जाया कर रहे हो, ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे। मेहमत, तुम कुछ कहना चाहते हो? जब से आप इन्हें इनकी मर्जी पर छोड़े हो, इनका लगातार निशाना चूक रहा है। मेरा ध्यान अम्मी पे लगा हुआ था, खता मुआफ करो, उन्हें मेरी बात पर एतबार नहीं हुआ। पूछ रही थी हमेशा तुम्हारी गार्ड ड्यूटी क्यों लगती है। किसी ने तुम्हें यहाँ आते देखा तो नहीं? तुम बेफिक्र रहो, हम सतर्कता से आए हैं, किसी ने भी नहीं देखा होगा। ये सवाल पहली दफा नहीं है हमारे साथ, और हमारे पकड़े जाने का मसला भी नहीं है ये। देखो, हमारे ठिकाने का किसी को पता नहीं होना चाहिए, वरना गांव वालों का क्या होगा। आ जाओ मेहमत, अब तुम्हारी बारी है, चलो अपना हुनर दिखाओ। एफे, न जाने क्यों मेहमत का निशाना चूक रहा है। क्या माजरा है मेहमत, अगर कोई मसला है तो हमें बताओ। मसला तो मेरे जिगर में है एफे। हमने लड़की के मामले में तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, अगर जरूरत है तो बोलो। नहीं शुक्रिया, वो मुमकिन नहीं है। अब्बू ने अम्मी के साथ भागकर निकाह किया था और वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके बाद हमें देखने वाला कोई नहीं था, ना अब्बू के नातेदार ना अम्मी के। हम जहन्नुम के हालत में थे। मैंने कसम ली है कि फातिमा की अब्बू की मर्जी से ही ये निकाह होगा। फिर ठीक है आशिक आवारा, जब तुम्हारा ईमान बदल जाए इत्तला कर देना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन आपने सिर्फ एक निशाना चूकने पर मुझे आशिक आवारा करार दे दिया, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक निशाना और लगाऊं। वाह, ये हुई ना बात, तुमने कर दिखाया मेहमत। मैंने कहा था ना कि ये बहुत आगे जाएगा। ऐसा नहीं है एफे, हिम्मत नहीं करता, सारा हुनर आपसे ही सीखा है। चलो फिर आज के लिए इतना रियाज काफी है, अब तुम ये बताओ कि हमारी राह के राहगीर कब बनोगे। मैंने महबूबा को एक वादा किया है, पला बी कोगलू आप जानते हैं। ये सब तभी मुमकिन हो सकता है जब नसीब से हम सभी हम सफर हो, बाकी सब बेमानी है। फातिमा, मेरे साथ बाहर आओ।
जी अब्बू। फातिमा, मैंने इस जुम्मे को कुश्तीबाजी का टूर्नामेंट रखा है। यह सिर्फ इसलिए नहीं रखा है कि कोई बहादुर कुश्तीबाज दूसरे को मात दे दे। हाजी साइट अयदीन का एक अमीर कारोबारी है, उसका एक इकलौता बेटा है हसन। जाहिर हुआ है कि वो आपसे मोहब्बत करता है, यही वजह है कि वायवोड हमारे गांव के इस जलसे में शिरकत कर रहा है, ताकि हाजी साइट हसन के निकाह के लिए आपका हाथ मांग सके। मैंने इन तमाम वक्फों में आपको भी किसी गलत राह चलते नहीं देखा। मेरी दुआ है तुम्हारे साथ, उम्मीद है तुम अपने शौहर के घर जिंदगी भर खुश रहोगी इंशाअल्लाह। अब्बू के हाथ चूम के दुआ ले बेटा। खुदा का करम बना रहे। कुश्तीबाजी का मैदान एक व्यापारी के गल्ले से अलग है। यहाँ क्या सौदा किया? हम यहाँ एक नेक काम के लिए आए हैं उस्मान। हाँ, इस खास जलसे का कोई एक ठोस मकसद है, आप जानते हैं। हम किसी के रास्ते का रोड़ा नहीं बनते जब रोजी रोटी का मसला हो। ऊपर से गांव वालों ने ज़ैबे की तरफ नजर उठाना शुरू कर दिया है। अगर इस मसले को हल नहीं किया तो कल यह सबके लिए सरदर्द बन सकता है, इसलिए मैं इन्हें अपनी दरियादिली का एहसास कराना चाहता हूं। जाबाज मेहमत के लिए तालियां, तालियों से एहतराम करें इस बहादुर का। आप इधर आइए। अटका बहादुर मेहमत, तुमने हमें खुश कर दिया, हमारा रुतबा बढ़ा दिया। अटका की ताकत को आज तुमने हमारे दोस्त दुश्मन सभी को दिखा दिया। बेहतरीन काम किया है तुमने। अपनी ख्वाहिश बताओ, अपने मालिक से क्या तोहफा चाहते हो तुम? बेहिचक बोलो, बताओ। तुम्हारी दिली फरमाइश जो भी है हम उसे पूरा करेंगे। अपने निकाह के लिए आपकी बेटी फातिमा का हाथ मांगता हूं। फातिमा भी मुझसे मोहब्बत करती है। ऐसी बात सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इंसान को अपनी औकात से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। गुस्ताखी की है तूने, तेरी इतनी हिमाकत। कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी।
ये क्या मामला है शरीफ हुसैन? तुम्हारा गांव तो गंवारों की फौज है। शहनशाह शरीफ हुसैन के गांव का हर आदमी खुद को शहनशाह समझता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। अगर मेरी जानकारी के बगैर कोई भी शख्स बाहर गया तो अल्लाह ही मालिक है उसका। जा यहां से। खादिम। जी जनाब। अपने चार साथियों के साथ कल सुबह उसकी ऐसी पिटाई करो कि ताउम्र याद रखे, ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। जी जनाब। मेहमत, वो फातिमा का निकाह तुमसे नहीं करेंगे, उल्टा तुम पर ही मुसीबत आ जाएगी बेटा। क्या मतलब फातिमा का निकाह मुझसे नहीं होगा? मालिक को अपना किया वायदा याद रखना चाहिए। कुश्ती का मैच मैंने जीता है, फातिमा भी मुझसे मोहब्बत करती है। मालिक को अपने वायदे का मान रखना चाहिए, अब वापसी नहीं हो सकती। मेहमत, मेहमत, मेहमत वहां मत जाओ, रुक जाओ, वो लोग तुम्हारा कत्ल कर देंगे। हमने सोचा था जीतने के बाद एक जोड़ी जूते मांग लेंगे, लेकिन उसने तो मालिक की बेटी की फरमाइश कर डाली। मैं तो काफी डरा हुआ हूँ उससे। डरने की क्या बात है, सच तो कह रहा हूँ। शुक्रिया भाई लो। अब बस भी करो भाई। ये मेरी तरफ से। हे, तुम्हारा गंवार दोस्त कहाँ है? क्या हो रहा है खादिम, मसला क्या है? इससे तेरा कोई सरोकार नहीं है, यह हमारा मसला है, हमें अपने हिसाब से सुलझाने दो। वो लड़का यहां नहीं दिख रहा है, लगता है अपनी अम्मी के बुरके के नीचे छुपा है। खादिम, क्या तुम मुझे खोज रहे हो? अच्छा अच्छा, तो तुम्हें जरा भी खौफ नहीं है? अल्लाह के सिवा और किसी से भी खौफ नहीं है मुझे। रुक जा। तुमने ये क्या किया मेहमत? चलो चलो चलो, अब निकलो यहां से, ये लो, जल्दी पकड़ो। चल मेहमत, मेहमत सोच मत, जो हुआ सो हुआ, निकलो। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी, वो हमारा पीछा कर रहे हैं, चलो जल्दी और तेज। चलो आओ, चलो सब लोग मेरे पीछे, चलो चलो जल्दी चलो।
आखिर कहाँ चले गए वो लोग? अरे कम वक्त आखिर गए कहाँ? ज्यादा देर तक वो हमसे छिप नहीं पाएंगे। आखिर कहाँ जाएंगे? यहीं कहीं आसपास होंगे वो। होशियार रहो, चलो। ठीक है, चलो। क्या मेहमत? मौत की ख्वाहिश है तुम्हें? वो आपको गोली मारने जा रहा था एफ ए। तुमने एक बार पहले भी मेरी जान बचाई थी, फिर से कर्जदार बना दिया तुमने। एफ़ए, आखिर अब इन बच्चों का क्या होगा? मेरी जिंदगी पहले से ही मेहमत की अमानत थी, अब और कर्जदार हो गया हूं। कहावत है कि किसी की खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। एक दूसरे का दिमाग खाना बंद करो, गोश्त खाओ। फिक्र मत करो, चमकता हुआ सूरज फिर से उगेगा। पर अब वापस गांव ना तो तुम जा पाओगे, ना ही तुम्हारी ये दोस्त। हाँ, अगर तुम चाहो तो ये जगह छोड़ने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कुछ वक्त बाद तुम वहां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। हम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हम आपके रास्ते चलना चाहते हैं एफ ए। हम आपके साथ शहीद होना चाहते हैं एफ ए। आपने हमें रास्ता दिखाया है। आज जो कुछ भी मैं जानता हूं वो सब आप ही से सीखा है। हमारा रास्ता कांटों से भरा है। मौत की खौफ के साए में हम हर वक्त जिंदगी के पल बिताते हैं। हमारे हाथ के ये खंजर हमारी महबूबा है, और जैसा कि तुम देख रहे हो, हमने कसम उठा रखी है मेहमत कि हमारी मौत मखमली बिस्तर पर नहीं होगी। तुम अपनी महबूबा के साथ अलग जिंदगी बसर कर सकते हो। एक गोली किसी का नसीब नहीं बदल सकती। हम वही बनेंगे जो नियति ने तय किया है। कौन है आप? किससे मिलना है आपको? मालिक की बेटी को बुलाओ। वो यूरुक औरत बाहर आई है, आपको बुला रही है। उससे गुफ्तगू करके उसे वापस भेज दीजिए। बोल मेरी बेटी, क्या चाहती है तू? आपका तंबू पहाड़ों पर है ना? हाँ, वहीं पर है। क्या आप उन्हें खोज सकती हैं? उसके बदले में मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपको दे सकती हूँ। मेहमत से कहना मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। मेरे अब्बू मुझे हाजी साइड के बेटे को सौंपना चाहते हैं। तुम इसकी फिक्र मत करो। ये जरूरत से ज्यादा है।
खुदा सलामत रखे। अस्सलाम अलैकुम मम्मी। खुश रहो बेटे। क्या बात है अम्मी? यूसुफ एफ से गुफ्तगू करनी है। अहमद, अपनी अम्मी को आने दो। तशरीफ रखिए। कैसी हैं अम्मी? शुक्रिया यूसुफ। एक जरूरी खबर है तुम्हारे लिए। हम जानते हैं आप हर जगह बेहिचक आती जाती हैं। बताइए क्या कहना है। शरीफ हुसैन चाहते हैं कि मेहमत फातिमा से हमेशा के लिए जुदा हो जाए, इसीलिए उन्होंने फातिमा की सगाई हाजी साइड के बेटे हसन से तय कर दी है। हसन आज रात विनय यार्ड के घर में अपनी सगाई का जश्न मना रहा है। मेहमत, सुना तुमने? यहाँ आओ। इसके मालिक की बेटी ने ये तोहफा भेजा है इसके लिए। उसका संदेशा है कि मेहमत के सिवाय किसी और की बीवी नहीं बनेगी, यहाँ तक कि इसके साथ भागने को भी तैयार बैठी है। तो बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? जैसा मैंने पहले कहा है, फातिमा के साथ भागकर निकाह नहीं करूंगा मैं। आप ये जानते हैं। लेकिन अब लानत है मुझ पर अगर मैंने अभी उस कमीने को अगवा नहीं किया तो। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर मसला हमारा मसला है। पाला चुनाली, फौरन तैयार हो जाओ, तुम्हें मेहमत के साथ जाना है। हसन, खुशकिस्मत हो तुम, तुम्हारा निकाह तो सबसे खूबसूरत लड़की के साथ हो रहा है। शुक्र है खुदा का, ये लोग उस गंवार गंजे को अपनी लड़की नहीं दे रहे। मैं हाजी साइड का बेटा हूँ। तुम लोग ही बताओ, अपने यदीन में ऐसा क्या है जिसकी चाहत हमने की और वो चीज हमें ना मिली हो? बताओ। कोई जगह से नहीं हिलेगा। नाचने वालों बाहर जाओ।
किसी भी दूसरे मर्द की महबूबा को चुराना तुमने कहां से सीखा है हसन? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। लगता है तुम किन्नरों के डांसिंग ग्रुप के नचनीय हो। एफए भी तुम्हारा नाच देखना चाहता है। मैं अपने अब्बू का इकलौता वारिस हूं, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। कल हम देखेंगे कि हादजी साइड तुम्हें कितना प्यार करते हैं। हसन नचनिया चलना शुरू करो। चलो चलो जल्दी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जनाजे के इस कपड़े की कीमत कितनी होगी जरा बताना। दो स्पर्श, अल्लाह उसके खता मुआफ करे। वो जनाजा किसका है? अभी तक वो मरा नहीं है, जिंदा है। जिंदगी देना और लेना सिर्फ अल्लाह की मर्जी है। कोई इलाज नहीं है क्या उसका? हकीम क्या कहता है? हमारे मरीज का इलाज सिर्फ उसके अपने अब्बू के प्यार के भरोसे है। हमारे हकीम का नाम जानना चाहोगे? उसका नाम है मेहमेत, और उसे पहाड़ों का शहंशाह भी कहते हैं। और उसने पहाड़ों से आपके लिए एक पैगाम भी भेजा है। वो आपको बेकरारी से याद कर रहा है और वो चाहता है कि आप उसे 500 सोने के सिक्के भी दें। मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। 500 सोने के सिक्के, और वो शरीफ हुसैन की बदसूरत बेटी के साथ निकाह कभी भी नहीं करने वाला। वो उम्मीद करता है कि आप ये सगाई तोड़ देंगे और सोने के सिक्के उसे दे देंगे। आप बखूबी जानते हैं कि हमारी रजामंदी उसी के साथ है। नमाज के बाद बोझडाक की पहाड़ी पर आइएगा, सिर्फ एक आदमी के साथ। अगर कोई धोखाधड़ी की तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उसके जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। चलता हूं, खुदा हाफिज। जनाब, लगता है कि घायल गधाए घोड़े से तेज भाग रहा है। उस खूंखार किसान ने पहले तो उस खादिम को मौत के घाट उतार दिया और अब उसने हसन को अगवा कर लिया है। यह अच्छी खबर नहीं है। एफएस से दुश्मनी लेना अकेले मेरे बस का नहीं है। आप हमारी मदद करें जनाब। शांत हो जाओ हाजी साइट, शांत हो जाओ। आपके बेटे की खातिर किसी दूसरे पर सख्त कदम नहीं उठा सकते। फिर आज की रात हम छुट्टी पर हैं। सरकार ने हमें लगान वसूली के लिए रखा है। सरकार से इंतजार करवाना तौहीन जैसा है। ज्यादा परेशान ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर रखा है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोगों ने उसे खूंखार कुत्ता बनाकर गांव में खुला छोड़ दिया है और कहते हैं कि वो किसी को काटेगा नहीं। वो एक खूनी आदमखोर है। अब उसका इलाज सिर्फ उसकी मौत है। ठीक है, जैसी आप सबकी मर्जी, लेकिन हम इसे शांत नहीं करेंगे तो यह जंगल की आग की तरफ फैलता चला जाएगा। इसकी जद में आकर देख लेना, एक दिन हम सबका घर जलेगा। फिर आप लोग ये बात मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। रुको, उसने वादा निभाया।
अपने मेहमानों को नीचे ले जाओ सिसरेली। चलो चलो तांगे में बैठ जाओ। चलो रुको जेबेक्स, आज की रात वाई वोड़े यहां से इकट्ठा किए हुए लगान के रुपयों के साथ सड़क से गुजरेगा। एक बात और, अब हम शरीफ हुसैन की लड़की के साथ रिश्ता नहीं करेंगे, मुझ पर यकीन रखना। चलो मेमित, हमने तुम्हारे मसले को सुलझा लिया, अब हम गांव के मसले सुलझाएंगे। क्या है वही बोड़े, क्या हुआ? मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। हाची साइड ने ठीक कहा था, यूसुफ एफए नाम के उस आदमी ने मेरे तांगे पर हमला कर दिया। वो गंवार गांव वाला जिसने तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा था वो भी उनके साथ था, और वो सारा सोना लूट ले गए। एक एक सिक्का जो गांव भर से इकट्ठा किया था, और साथ में सरकारी लगान, सब उन कमीनों की जेब में है। आप सब लोग खामोश क्यों बैठे हैं? वक्त नहीं है हमारे पास। वायवोडे, उसके ऊपर का एफए ही इस मसले को हल कर सकता है, उसे सही रकम दे दो। मुझे लगता है कि इस मसले को थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए। ऊपर से मैं अपनी बेटी को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। जब तक हम इस परेशानी से पूरी तरह बाहर नहीं आ जाते, कुछ ठंडा नहीं होने वाला जनाब शरीफ। ये मसला यहीं खत्म होने वाला नहीं। हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो गवार मेहमत अभी तो एक बहुत बड़े झुंड की तरह है। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि अगला हमला वो किस पर करेगा। हमें उसे किसी भी तरह कुचलना ही होगा। हर तरफ उसी की चर्चा है। ख्याल रहे कि गांव का हर आदमी अब उस गंवार किसान की तरफ है। हमारे मर्ज का अब बस एक ही इलाज है, बड़े एफए की मदद ले। उसे खबर भेजी जाए कि कल सुबह वो यहां आ जाए। जाओ, यहां आने के बाद हम उसे ये सारा मसला ठीक से समझाएंगे। नुकसान की भरपाई के लिए दोबारा लगान वसूल करेंगे।
हमारी सरकार और ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। उस कंवार किसान महमेद को काबू में करने के लिए उसकी अम्मी पर कहर पर पाया जाएगा। उसकी अम्मी पर? उसकी अम्मी पर। क्या हुआ वैसल? हालात अच्छे नहीं है जनाब, एक जरूरी खबर है। तुम अंधेरा होने तक इंतजार नहीं कर सकते थे? जोखिम क्यों लिया? हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। वो एक बहुत ही गंदा खेल खेलने की तैयारी में है। जब से आपने उनके सोने को लूटा है, वो गांव के लोगों से जबरन दोबारा लगान वसूल रहे हैं ताकि लोग बेबस होकर उनकी हुक्मदुली करें। वो बड़े एफए से हमें काबू में करने के लिए सौदा भी कर रहे हैं। गरीबों को लूटने वाला मेरी नजरों में नीच है, वो हमारा एफए नहीं हो सकता। मुमकिन है वो बड़े एफए से आपका सामना करने का इरादा ना रखते हो, पर उन्हें मालूम है कि मेहमत ने आपके यहाँ आसरा लिया है। वो मेहमत की अम्मी को साथ भेजेंगे ताकि ये पहाड़ों से नीचे उनके कब्जे में जा सके। सुन रहे हो मेहमत? मेहमत स्पेशल, जंग हम जांबाजों का असली निकाह है। वहां तुम अकेले नहीं जाओगे, उसके साथ जाओ। घर में अनाज नहीं है, बर्तन खाली हैं, चाहे तो देख सकते हो। तुम्हारा बेटा तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया? मैं तुझसे बात कर रहा हूं बुढ़िया, बहरी हो गई है क्या? ओ, तू तो सुन भी सकती है। चल मुझे बता कि तूने अब तक क्या सुना। जैसा सुना है वैसा ही बताना बुढ़िया। अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। चल चल। इस गुड़िया को बचाने के लिए कैसे आता है? महमेद!
अब आपकी इजाजत है एफए। मेरा मुकाबला कर सकते हो? चल मुकाबला कर। लौटने का कोई रास्ता नहीं है अम्मी, वो पहाड़ी अब हमारे घर है। पर आप दुखी ना हो, अब आपका मेहमत हर जगह है। एफए, उठिए एफए। जल्दी चलिए, चलिए, चलिए। मेहमत वहां क्यों खड़ा है? मेरे पास आ। हाँ एफे, ऐसा लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। मैं सफेद घोड़े पर सवार होकर जाने वाला हूं। अब आवाम की मुश्किलात हम एफे की जिम्मेदारी है। आप गोली के सामने क्यों आ गए? मुझे जो सही लगा मैंने किया,
वैसे भी मेरी जिंदगी तो उधार की ही थी। मैंने अपना कर्ज चुका दिया है मेहमत। अपना हर जन्म मैं खुशी खुशी यहां पर कुर्बान कर दूंगा। आपने ऐसा क्यों किया? यहां के लोगों को मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अपनी कीमत इतनी कम मत आंको। पाला, क्या तुम इसे एफए बनाओगे? क्यों नहीं, बेशक एफए। अब सब कुछ तुम पर है मेहमत। इस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा मासूम हैं, जिन्हें हर कोई लूटता रहता है। वोड ने जुल्म करके इनकी जमीनें छीनी है। तुम्हें उन्हें वापस दिलवाना है। लेकिन मैं तो अभी तक जेबैग भी नहीं हूं। ऐसा नहीं है मेहमत, जब तुम छोटे बच्चे थे तभी तुमने जुल्म को ललकारा था, ओवरसियर के सिर पे पत्थर मारा था, तभी जेबैग बन गए थे तुम। कोई तलवार किसी को जेबैग नहीं बनाता। चल बेटे, अब मुझे बता, इन पहाड़ों का मालिक कौन है? अपने विद्रोही और जांबाज कौन? अपने अपने एफे। ये क्या कर रहे हैं? अपने एफए के लिए शोक मना रहे हैं। ये एक तुर्कमेन योद्धा के लिए हजारों साल पुराना रिवाज है। जब कोई सेनापति मरता है तो उसके सबसे करीबी योद्धा अपने बाल उस पर कुर्बान करता है। योद्धा अपने घोड़ों के पूंछ काटते हैं और उनकी आंखों पे नमक छिड़कते हैं और घोड़े के पैर में उल्टा नाल डालते हैं। उन्हें दर्द नहीं होता? होता है, जरूर होता है। हमारे रिवायत में जब कोई सेनापति मरता है तो सबसे पहले उसके घोड़े को रोना चाहिए।
मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया। मैं खुद भी तन्हा हूं फातिमा। आज के बाद ये पहाड़ मेरे घर हैं। मुमकिन है मैं कभी न लौटूं। तो फिर मैं भी वहीं रहूंगी जहां तुम रहोगे मेहमत। अब मैं और जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा के लिए मुझे अपने साथ ले चलो। मैं ये जगह हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। सही वक्त आएगा तो वो भी होकर रहेगा फातिमा। तुम्हारे अब्बा अपनी मर्जी से तुम्हें मुझे सौंपेंगे। तुम्हें उस घर से ही निकाह कर ले जाऊंगा। लेकिन कब? जब भी तुम्हें रुखसत होते हुए देखती हूं तो लगता है जैसे मेरे जिस्म से मेरी सांसें रुखसत हो रही हैं। तुम्हारी हर सांस में मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारी मोहब्बत की तरह ही शानो शौकत से हमारा निकाह भी होगा। ये गर्व की बात होगी। थोड़ा वक्त दे दो मुझे। यूसुफ एफे के वायदे से मैं पीछे नहीं हट सकता। जब लोग हमें उम्मीद से देखते हैं तो उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। अब मेरा रास्ता तय है। अगर तुम इंतजार नहीं कर सकती तो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा मेहमत। हमारी मोहब्बत की कसम, जब तक जिंदा हूं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम जहां कहीं भी रहोगी अपनी मौत तक तुम्हारा साथ दूंगा, मौत के आखिरी पल तक। संभाल के अम्मी। यहां बैठ जाइए। ठीक तो है? मैं अपने दिल का दर्द खत्म नहीं कर पा रही। एक मसले ने मेरे दिमाग को जकड़ रखा है। मैं यहाँ यूसुफ एफे से मिलने आई हूँ, उनसे बात करनी है। जैसी आपकी मर्जी। बोलिए अम्मी, क्या बात है? जो कहना है वो कहिए। मेरे बेटे, मेरे अजीज बेटे, मैं कुयुकाक से आई हूँ। मेरे शौहर और मेरा बड़ा बेटा मॉस्को युद्ध में गए और अब तक वापस नहीं लौटे हैं। मैं अपने छोटे बेटे को मोंटेनेग्रो में गवा चुकी हूँ। मैं और मेरे दामाद मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहे हैं। हम सब के लिए एक वक्त की रोटी ही काफी है, लेकिन इन तानाशाहों के लिए सब कुछ कम पड़ता है। वोड़े हमसे दोबारा लगान वसूल चुका है। अब हमसे ये सब सहन नहीं होता है। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, ये तलवार उन्हें सबक सिखाने के लिए ही है। यूसुफ एफे को मेरा सलाम कहना। उनसे कहना कि योरुक अम्मी, जिसने अपने बेटे युद्ध में गवा दिए, वो आई थी। वो इन पहाड़ों की तलहटी से उनके लिए दुआ करती है। अल्लाह उनके खंजर की धार तेज और उनके घोड़ों को रफ्तार दे। यूसुफ एफे अल्लाह को प्यारे हो गए।
एफए, हम तैयार हैं। यह खबर पूरे देश में फैल गई है। देश को भूलकर हमें यहाँ से निकलना होगा। ज़ेबेक्स के पास बहुत लोग नहीं है, लेकिन कस्बे के लोग उनसे मिल गए हैं। हमारे पास पर्याप्त सैनिक नहीं है। तूफान कभी भी आ सकता है। ये जगह हमारी कब्रगाह में बदल सकती है। वायवोड़े, जरा रुक जाओ। अब चलो, इसमें से आधी मेरी है। दे दो, नहीं तो यहीं बंद रहोगे तुम। गए बाल्डाई महमेद। बाल्डाई मत कहो मुझे। आज मैं पहाड़ों का शहंशाह हूं। मेरे इस रुतबे को सुनकर यहां से भाग रहे थे। मुझसे क्या चाहते हो एफे? अपने घिनौने पाप के सिवा तुम्हारे पास है ही क्या? हम वो सब चाहते हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं समझा नहीं एफे, जो कहना है साफ साफ कहो। या तो इन गांव वालों को जो दिया है इन्हें वापस कर दो, वरना हम तुम्हारा सर कलम करके ले जाएंगे। तो तुम सरकारी लगान के बाद हमसे अपना लगान वसूलोगे? बुजदिल किसानों के दम पर मुझे रोकोगे? एक तो सरकार इन लोगों पर अपना जुल्म लादती है और फिर तुम बंदूक के नीचे फेंक दो, वरना तुम्हारा वायवोड़े अपनी जान गंवा देगा। गद्दार, नीचे करो, इन्हें नीचे करो, बंदूक के नीचे झुकाओ। पाला, इसे तहखाने में दफन कर दीजिए। बाकियों को भी वहीं ले जाओ। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। आज तुमने मुझे झुका दिया, अब सरकार के साथ क्या करने वाले हो?
बाकियों से क्या सुलूक करोगे? बाकियों के बारे में क्या सोचा है तुमने? टोनाले, अपने आदमियों को चुन लो। तुम यहां वैसल के साथ रुकोगे। लगान सरकार के कानून के मुताबिक भेज दिया जाएगा, उस तरह नहीं जैसे व्यापारी इकट्ठा करते हैं। गांव वालों की जमीन उन्हें वापस लौटा दी जाए ताकि वो उसमें खेती कर सके। जैसी आपकी मर्जी। वैसल, सबको इत्तला कर दो कि कल हम सबको खाना बांटेंगे और उनके मसलों पर गौर करेंगे। आप सभी को आना है। ये जनाब आयदन बिरादरी से है। गवर्नर अपने लिए एडन में एक हवेली बनाएगा, इसीलिए वो इनसे अलग से रुपया इकट्ठा करेगा। उनसे अलग से रुपया इकट्ठा करके उन्हें दावा किया कि उसने सुल्तान को पैसे दिए हैं, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं है। वो बस इन्हें फंसा रहे हैं। मैं बुढ़ा हूं, मेरा एक पैर कब्र में है। मैं, मेरी बीवी, मेरे नाती पोते सभी अनाज और मदद दोनों से महरूम है। थोड़ी सी भी जमीन या रोटी का एक टुकड़ा भी मयस्सर नहीं है। हमें मदद की दरकार है एफ़ए। हम जानते हैं आपने वायवोड़े के साथ क्या सलूक किया है, इसी वजह से मैं यहां आया हूं। पाला, माधुरन, सरोहन, मेंटेसे और सभी यूरोप कैंप को संदेशा भेजिए, कोई भी आदमी जो अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार है, जो गरीबों की रक्षा कर सके, इन जुल्मो सितम से लड़ने की ख्वाहिश रखता हो, वो पहाड़ों के शहंशाह महमद की सेना में आ सकता है। आज से इन तानाशाहों की किस्मत का फैसला हम करेंगे। भाइयों, बहनों, बुजुर्गवार, आज और अभी से हम वादा करते हैं कि इन अत्याचारियों के सामने अपने घुटने नहीं झुकाएंगे और उन लोगों का डटकर सामना करेंगे। हम रिश्वत, लूट या पक्षपात की इजाजत नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं कि इन धूर्तों की हरकतों का जवाब अपने खंजरों से देंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। आप सबसे मैं ये वादा करता हूं कि मेरे रहने तक आप अकेले नहीं हैं। एफ़ए, एक जरूरी बात है। हाँ वैसे, गवर्नर लजमीर से भाग गया है। आपकी मुहर तैयार है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सरकारी दस्तावेजों पर अपना मुहर इस्तेमाल करें, वरना उन तक संदेश नहीं पहुंचेगा। हर तरफ से खबर आ रही है गरीब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वायवोड़े और अधिकारी लगातार उन पर दमन कर रहे हैं। मेरा मकसद आम लोगों को उनकी गरीबी, बेबसी और जुल्मों सितम से बचाना है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम धोखा कर रहे हैं। आपके खिलाफ एक विद्रोह, एक साजिश रची जा सकती है। हम सिर्फ और सिर्फ गरीबों के ऊपर जालिम और क्रूर वॉडवोडेस के अत्याचार को खत्म करना चाहते हैं और गरीबों के साथ मुकम्मल इंसाफ चाहते हैं। दुखियारों को हम सिर्फ और सिर्फ खुशी देना चाहते हैं, उनकी रक्षा, बस यही हमारा मकसद है। मैं ना तो सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाऊंगा और अल्लाह या आम लोगों के मर्जी के खिलाफ भी कुछ नहीं करूंगा। गवर्नर और सरकारी मुलाजिम, पहाड़ों का शहंशाह महमद।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हो आप सब लोग? सलामती है? हमारी खुशियां लौटाने के लिए शुक्रिया एफ़ए। आपकी वजह से गांव में अमन चैन लौटा। शुक्रिया। सब सलामत है ना? सब सलामत है। आप शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत है। मुझे आपकी बहुत याद आती है। खुदा के लिए आप इस तरह मत रोइए। आप ठीक है ना? तुझे देख लिया, आप बिल्कुल ठीक हो। आज रात यहीं रुकोगे ना? हाँ बिल्कुल, हम सब यहाँ रुकेंगे। हमारे यहाँ के काम अभी बाकी हैं। हलील, शरीफ हुसैन मालिक को खबर भेजो, शाम सलाह के बाद हम उनसे मिलने आएंगे। ठीक है एफ़ए।
मैं इसे तुम्हारी हिफाजत में सौंपता हूं मेहमेद। एफे, पाशा ने अपनी फौज के साथ एदिन की घेराबंदी शुरू कर दी है और उसने कहा है कि आपके सर के ऊपर वारंट है। उसने हम पर वारंट निकाला हो पर ये पहाड़ हमारे हैं। मेरी मोहब्बत, कुछ दिन और अपने अब्बू के घर पे रह लो। मुझसे निकाह मुझे छोड़ने के लिए कर रहे हो? हम चारों तरफ से घिर गए हैं, मेरे सर के ऊपर वारंट है। मैं तुम्हें इस आग में झोंक नहीं सकता। रो मत, आंसू मत बहाओ, क्योंकि इन आंसुओं को देखकर मैं और बेचैन हो जाता हूं। मजबूरी से नहीं, मुझे यहां से मजबूती से भेजो। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तुम मेरी बीवी हो, मेरी हिम्मत हो तुम। शायद मेरी किस्मत में तुम्हारा इंतजार ही लिखा है। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जल्द लौट आऊंगा, क्योंकि तुम्हारी तकदीर मेरे साथ है। जानती हो, तुमने कहा था यह मेरी तकलीफ कम करेगी। अब तुम्हें इसकी जरूरत है। जब मैं लौट कर आऊंगा तो तुम ही इसे पहली बार धोगी। ये लंबे वक्त तक आपकी मेहमान हो सकती है। ये मेहमान नहीं है, मेरी बेटी है। ये मेहमान नवाजी से बहुत बड़ी है। ये कुछ वक्त की बात है, जल्द ही इसे ले जाऊंगा। रुखसत से पहले आसपास नजर उठा के देख लो, मुमकिन है दोबारा इसे ना देख पाओ। हम दोनों बखूबी जानते हैं कि तुम वापस नहीं लौटोगे। अभी से जश्न मत मनाओ शरीफ हुसैन, मैं वापस लौटूंगा और पहले आपसे ही मिलूंगा, इसे वापस ले जाऊंगा। एफए! अम्मी जान, चलो।
ज़ेबेक्स, अपने घुटनों पर आ जाओ, सब नीचे झुको। इन पहाड़ों पर फतेह किसने हासिल की? हमारे विद्रोहियों ने। कौन है वो जांबाज? हमारे एफए। फिर मुझे बताओ, तुम सब सबसे ज्यादा बहादुर किसे मानते हो? जिन्होंने उन तानाशाहों की गर्दन रेत दी। और क्या? अपने एफए के लिए कुर्बान हो गए। सबसे बड़ा बुजदिल कौन है? जो अपने दुश्मनों से रहम की भीख मांगे। हमें अपने दुश्मनों को क्या तोहफा देना चाहिए? एक दर्दनाक मौत। और हम इसी तरह डरते रहे तो? शर्म से डूब मरना चाहिए। और जो अपनी जुबान से मुकर जाए वो रसलाबूद हो जाएंगे। तो सभी दुआ करो कि हमारी तलवारें उनके सीने के आर पार हो जाएं। आमीन। कसम उठाओ सभी कि जो वादा किया वो सच है। कसम खाते हैं। ज़ेबेक्स को ऊपर वाले ने किस लिए पैदा किया है? शहादत के लिए। तो फिर ज़ेबेक्स, उठाओ अपने सर, क्योंकि अब शहादत का वक्त आ गया है। ज़ेबेक विद्रोह दिसंबर 1829 में शुरू हुआ और महीनों तक जारी रहा। इब्राहिम पाशा की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि कुछ सैनिकों ने ज़ेबेक के खिलाफ अपने हथियार उठाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो गरीबों के निगेबान थे। लेकिन कुछ इनाम परस्त परिवारों की मदद से ज़ेबेक्स को घेर लिया गया। अयद्दीन में सबसे पहले ज़ेबेक काकमा कोगलू का सर कलम किया गया, फिर वीरान पहाड़ों में उसके भाई सेसरेली का कत्ल किया गया। योरूक अहमेत अपने ज़ेबेक्स के साथ कुताहिया की पहाड़ियों पर मार डाला गया। वो जाड़ों के दिन थे, पूरी पहाड़ी विद्रोहियों और सैनिकों की लाशों से भर गई थी। लेकिन वो पहाड़ों के शहंशाह मेहमत, पलाबी कोगलू और तुरनाली अली को पकड़ नहीं पाए। यहां तक कि लगातार आतंक और दमन के बाद भी ना तो गांव में तुर्की के बाशिंदों को और ना ही पहाड़ों में रहने वाले योरुकस को अपने हौसलों से डिगाया जा सका।
वो अक्सर कभी बोझराग की पहाड़ियों में छुप जाते, कभी संदिकल तो कभी डोमानिक में। गिनती में ज़ेबेक्स कुछ सैकड़ों में ही थे। जब वो एद्दीन के नजदीक टेपेसिक में दाखिल हुए तो वहां भी उन्होंने वहां के करावस्मानो गुल्लारी और इयासो गुल्लारी जैसे परिवारों को अपने साथ लेकर जाबाजी से लड़ाई की। टोर्नाली अली सबसे पहले कुर्बान हुए, फिर पाशा और अंत में मेहमत एफ़े शहीद हो गए। उसके बाद क्या हुआ वो एक किस्सा बन गया, एक नज्म बन गया, एक लोक कथा बन गई। वो एक किंवदंती बन गए जो कभी मर नहीं सकते।